Today I am finally unboxing my order. Ta-da! और इसमें क्या है? इसमें है खजाना. Literally, I'm not joking. My parcel came today. और let's unbox this. मैं आज आप लोगों के सामने इसको ओपन करने वाली हूँ और मैं दिखाती हूँ कि इसमें क्या है. सरप्राइज है. ओके, तो जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं. आई एम सो एक्साइटेड. ये आज मुझे मिला है और मैं पागल हो रही हूँ इसको अनबॉक्स करने के लिए. इसको जल्दी से मैं अनबॉक्स करती हूँ और फिर दिखाती हूँ कि क्या है. यार कैसे खुलेगा? जल्दी खुल जाओ प्लीज, जल्दी खुल जाओ. ओके भाई, मेरा सामान ख़राब नहीं होना अंदर से. इसको ऐसे खोलना ज़्यादा बेटर रहेगा. ओके, और ये खुलने जा रहा है मेरा पार्सल. एंड ता-रा, गेस दिस इज़ व्हाट. ओके, सो दिस इज माय वाह. आई एम जस्ट हटाओ इसको. आई कैन नॉट इमेजिन. दिस इज माय किम नामजून्स RPWP एल्बम. वाह, सीरियसली, आई एम नॉट. Okay, so yeah, here is the album which I pre-ordered. मैंने इसे pre-order करवा दिया था और ये finally आज मुझे receive हुआ है. This is RPWP, right place, wrong person. मेरे पास आ गया. तो जल्दी जल्दी से इसको खोलते हैं और मैं दिखाती हूँ कि इसमें मुझे क्या क्या मिला. I'm so excited, guys. I'm not joking. This is like my first pre-order album जो कि मैंने खुद से कोरिया में आके BTS का कोई album pre-order किया है. अदरवाइज़ उससे पहले मैंने कोई भी एल्बम प्री ऑर्डर पे नहीं लिया. मुझे यूजुअली सब थोड़ा टाइम लगा के लेना पड़ता था. बट नाउ दिस इज लाइक सच अ ह्यूज एल्बम. यानी इन लोगों ने थोड़ा सा मतलब पैकेजिंग इस तरह से रखी है कि दिस इज़ द पैकेजिंग, लाइक आउटर पैकेजिंग आप देख सकते हैं. और ये एक फाइल फोल्डर स्टाइल है. एंड देन जो कुछ भी है इसके अंदर, वो आई जस्ट कांट इमेजिन. अरे राइट प्लेस रॉन्ग पर्सन. ता-रा, चलो जी इसको खोलते हैं. आई एम नॉट जोकिंग, दिस इज सच. अच्छा, खैर सीन्स ये हैं कि मैंने एक रैंडम वर्जन इसका लिया था. तो मुझे अब ये देखना है कि मेरे पास कौन सा रैंडम वर्जन आया है. मुझे नहीं पता क्या रैंडम वर्जन आया. और यहाँ पे इसके सारे सॉन्ग्स के नाम लिखे हुए हैं. ओके जी, और मुझे नहीं पता ये कौन सा वर्जन मिला है. सो लेट्स जस्ट ओपन दिस. एंड मैं इसको तमीज़ से आराम से खोलती हूँ, बिकॉज मैं फाड़ भी दूंगी इसको. मुझे नहीं पता. आई जस्ट कैन बिलीव. तरह मैंने एक रैंडम वर्जन जो है मंगवाया था, मतलब एक सिंगल वर्जन एक मंगवाया था स्टैंडर्ड. तो ऑफकोर्स मुझे कोई रैंडम वर्जन ही मिला होगा, बट कौन सा आई डोंट नो. सो लेट्स सी. वाओ, दिस इज इट. चलो जी, अब जल्दी से इसको खोलते हैं और देखते हैं इसमें निकालती हूँ मैं कि क्या क्या है. दिस इज़ द फोल्डर, यू गाइस सॉ इट ऑलरेडी. नाउ इसमें अब क्या क्या हमारे लिए क्या क्या है. देखिए वो तेरा जी, इतनी सारी चीज़ें अंदर. कुछ और भी है क्या? ना, ओके, नो, कुछ नहीं है अंदर, कुछ नहीं है. ओके, सो वो तो सबसे पहले तो हम आते हैं इस पे. आई एम राइट पर्सन रॉन्ग प्लेस. दिस इज द लिरिक्स बुक. ये सारी के सारे मतलब इतना बड़ा इस दफ़ा एक लाइक के लिए पूरे एल्बम को की प्रेजेंटेशन, फिजिकल प्रेजेंटेशन इतनी बड़ी रखी है. काइंड ऑफ लाइक यू नो न्यूज़पेपर स्टाइल, मैगजीन स्टाइल, एंड विद अ फोल्डर कि आप इसको आराम से रख सकते हो. और इस फोल्डर में अपनी डिफरेंट फाइल्स भी रख सकते हो अगर आपको ये नहीं रखना तो. सो फर्स्ट इज़ लाइक द लिरिक्स बुक. एंड वाओ, आई लव दिस. It's like a proper, I'm like reading a magazine. So इसको हम बाद में पढ़ेंगे. Now time for the different. OMG, guys, मुझे नहीं पता, प्लीज मुझे बताना कि ओके. ओके, अंदर इतनी सारी चीज़ें. मैं देखती नहीं हूँ, मैं ऐसे देखती नहीं हूँ. ओके, सो इधर हमारे पास दो पोस्ट कार्ड्स हैं, ठीक है, एक CD है और दो फोटो कार्ड्स हैं. सो लेट्स रिवील द रिवील द फोटो कार्ड्स. ता-रा, कौन सी कौन सी? ओके, आई एम सो एक्साइटेड. ओके, दिस इज द फर्स्ट फोटो कार्ड. यू आर सो क्यूट. ओके, एंड दिस इज द सेकंड वन. वो जेंटलमैन. ता-रा, ओके जी, सो दिस इज द दीज आर द फोटो कार्ड्स. हम इनको साइड में रखते हैं. ये तो एज यूजुअल इनका कार्ड होता है. आई डोंट नो. नाउ टाइम फॉर पोस्ट कार्ड रिवील. ओके, ता-रा, ओ एम जी, इसका विलियन है. ओके, सॉरी,
आई गेस इसमें फिल्टर आ रहा था, आई डोंट नो. खैर ओके, आई एम लविंग इट. दिस फोटो कार्ड यार, आई एम नॉट जोकिंग यार, दिस इज सुपर्ब एंड दिस इज सो क्यूट. वाओ, आई हैव दिस फोटो सेव इन माय मोबाइल एज वेल. ओके, सो दीज आर द टू फोटो कार्ड्स. देन आई हैव द सीडी, द क्यूट सीडी. ठीक है, अब चलते हैं पोस्टर की तरफ. ओह ओके, सो इट्स लाइक यू नो, इट्स लाइक यू नो, दे गिव अस द वन लाइक ओएमजी यार, ये में क्या है ये. दिस इज लाइक द वन ह्यूज पोस्टर एज यू गाइस कैन सी, एंड दिस इज नॉट जस्ट लाइक वन, लाइक ये ऐसे नहीं है कि सिर्फ आगे से, पीछे से भी है गाइस. मतलब मैं क्या लगूँ, वाओ दिस इज सो क्यूट. ओह सीरियसली, लाइक ये पूरा का पूरा वो वाली पिक्चर है जो इसकी सबसे पहले पिक्चर रिवील हुई थी इसके RPW की एल्बम की. एंड देन ये वो वाली पिक्चर है जिसमें किम नामजून इज पार्टीइंग. तारा, ओके वाओ, व्हाट अ ह्यूज पोस्टर गाइस. ओके, सो द थिंग इज वी डू हैव टू फोटो बुक्स प्रोबेबली, लाइक फोटो बुक्स स्टाइल. दिस इज लाइक द होल प्रॉपर फोटो बुक जो कि स्टिल मैगजीन जैसा है, जो कि अगेन मैगजीन जैसा है वंस अगेन. बट दिस इज वंस अगेन लाइक आई एम नॉट जोकिंग, क्या दिया है इन लोगों ने, कि कितने सारे और पोस्टर्स दिए. फिर उसके बाद ये छोटे छोटे ऐसे पोस्टर्स हैं, ये देख रहे हो आप लोग, ये भी फ्रंट एंड बैक है, वन एंड दिस टू. सो दिस इज वन एंड देन ओके, ये अगेन एक और है छोटू सा. छोटू सा तो नहीं कहूँगी यार मैं, बहुत बड़ा है ये. मतलब क्या दिया है इस दफ़ा, आई एम नॉट जोकिंग. ये भी फ्रंट एंड बैक है. उसके बाद ओके, ये एक और दिया है वो किम नामजून विथ वॉयलिन. वाओ सुपर प्योर, फ्रंट एंड बैक अगेन. एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओके वंस अगेन दिस पोस्टर, दिस इज सो क्यूट गाइस, प्लीज चेक दिस आउट. आई मीन लाइक किम नामजून, क्यूट किम नामजून विथ क्यूट किटी. सो दीज आर द फोर स्मॉल पोस्टर्स आई गेस, आई डोंट नो मतलब क्या क्या दिया है, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा यार. ये चार अलग अलग अखबार टाइप के पोस्टर्स हैं, ये एक ह्यूज पोस्टर है, दो फोटो कार्ड्स है, दो पोस्ट कार्ड्स है, एंड दिस इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट द होल फोटो बुक. यार गाइस चेक करो इसको, मतलब मैं किस तरह दिखाऊँ, चलो मैं खुद ही देखती हूँ. क्यूट. Oh, this is literally so cute. I'm loving this. So guys, this is the whole RPWP album unboxing. I hope you guys like it. So please do follow me and I love you guys so much. Bye. Bye.